नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आईपीएल 6 में घोटाले ही घोटाले, इसके पहले क्रिकेट में घोटाले पहले भी उजागर होते रहे, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी और ये क्लब क्रिकेट आईपीएल में भी। 5, 9 और 15 मई को होने वाले मैच जिसमें राजस्थान रॉयल्स शामिल था, उसके 3 खिलाड़ी मैच स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही 11 बुकी भी गिरफ्तार हुए हैं। कुल 14 लोग गिरफ्तार हुए। क्रिकेट के इसी गबाझाले के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट और कमेंटेटर सुशील दोषी जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है सुशील जी। धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये क्रिकेट में क्या हो रहा है, आईपीएल में खिलाड़ी कभी टावल गिरा देता है, कभी लॉकेट गिरा देता है, कभी घड़ी और बैंड ऊपर नीचे कर देता है और लाखों के बारे में आ रहे हैं। ये बड़ी विचित्र घटना है ये, लेकिन देखिए इंसान के लालच का कभी अंत नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि इतना पैसा मिल रहा है फिर भी खिलाड़ी बेईमानी क्यों कर रहा है, लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि आदमियों को गरीब और अमीर के बजाय इस तरह से हमें तोड़ना चाहिए या इस तरह से विभाजन करना चाहिए कि ईमानदार आदमी और बेईमान आदमी। जो ईमानदार आदमी होता है चाहे गरीब हो लेकिन फिर भी ईमानदारी बरतता है, और जो बेईमान आदमी होता है वो काफी काफी पैसे वाला हो लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी आदतन बेईमानी की आदत है तो फिर वो बेईमानी करता ही है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार एक रिक्शा चालक पूरा का पूरा थैलियों से पैसों से भरा बैग वापस लौटा देता है। अब वो गरीब आदमी है, उससे उसका भविष्य बन सकता था लेकिन वो नहीं करता बेईमानी। और कई बार हम देखते हैं कि ईमानदार आदमी छोटी छोटी चीजों में बेईमानी कर देते हैं। आज ये खबर आई कि गुजरात में एक रिक्शा चालक ने 1,90,00,000 का चेक टाटा को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन का लिया के लिए आप जो मुआवजा दे रहे हैं 3 एकड़ जमीन, वो मेरे पिताजी गरीबों को बांट चुके थे, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये बात देखिए रुपया पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, ये मिसाल होनी ही चाहिए तभी मानवीयता जिंदा रहेगी, अन्यथा इंसान और दानवों की दुनिया में क्या फर्क रह जाएगा कि जहां जहां लालच होगा वहां वहां लोग कूद पड़ेंगे और ईमानदारी को हमेशा काटते रहेंगे। अब नए नए रिकॉर्ड क्रिकेट में भी बन रहे हैं, सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, अब श्रीसंत की बारी है। वो पहले टेस्ट क्रिकेटर है जो ऑफिशियली जेल की सजा भुगतेंगे और गिरफ्तार किए गए हैं इस उपलक्ष्य में। ये बात तो सही है लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगर शुरू से ही काफी ईमानदार होता अपने मामले में और जो पुराने पकड़े गए खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करता या कड़ा दंड देता, उन्हें जीवन भर के लिए एक तरह से अलग कर देता, तो कुछ एक उदाहरण प्रेषित होता, लेकिन वैसा किया नहीं है। अगर आप सॉफ्ट हैं, कमजोर हैं और आप ये दिखाते हैं कि आप सही मौके पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आगे फैलती ही रहती हैं। इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आती है। और टीम के ऊपर कोई जिम्मेदारी है क्या राजस्थान रॉयल्स पे, जिसपे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा? देखिए सबसे बड़ी बात तो इस टीम के कप्तान है राहुल द्रविड़, जिनकी ईमानदारी की कसमें आम आदमी खाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम के खिलाड़ियों ने ही ऐसा काम किया और उनकी नजर में भी नहीं आया, उनको मालूम भी नहीं पड़ा, बेचारे संघर्ष करते रहे। ईमानदार आदमी की यही हालत होती रहती है कि वो अकेला कुड़ता रहता है, मेहनत करता रहता है और बेईमान आदमी अपना काम दिखाने लगते हैं। तो समाज में जो अन्याय और अव्यवस्था फैल रही है उसका एक कारण ये भी है कि जो बेईमान आदमी है बहुत जल्दी आगे निकल रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं से बंदिश लगानी पड़ेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बेईमानी की विजय हमेशा ईमानदारी पर होती रहेगी। एक ओवर के 60,00,000 रुपए गड़बड़ी करने के 60,00,000 रुपए स्पॉट फिक्सिंग। देखिए एक बात साफ है कि कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देता है, 60,00,000 रुपए दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो 60 करोड़ रुपए कमा रहा होगा तब आपको 60,00,000 रुपए दे रहा है। और अगर इस चीजों के सूत्र जैसा कि बताते हैं विदेशों तक फैले हुए हैं तो ये बहुत खराब बात है, क्योंकि यही पैसा पता नहीं किन किन कामों के लिए उपयोग आता हो सकता है आतंकवाद के लिए भी उपयोग आता हो। तो इस तरह का पैसा जो मैं तो कहता हूं कि जो लोग सट्टे में लिप्त हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं आम आदमी भी, उन्हें ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। एक आम आदमी की जो ईमानदारी की बात है और जो देश के प्रति उनकी वफादारी की बात है उसका भी एक सबूत देना चाहिए। आम आदमी चूंकि इसमें लग जाता है इसीलिए इतना प्रोत्साहन मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों ने कहा भी ये बात स्वीकारी कि इसके तार डी कंपनी से हो सकते हैं, आतंकवादियों से हो सकते हैं, विदेशों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ब्लैकबेरी मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए जो संदेश उन्होंने दिए हैं सचिन श्रीसंत के अलावा अंकित चौहान और चंदीला ने जो सिग्नल दिए हैं, जो मैसेज दिए हैं, वो सबके ट्रांसक्रिप्ट पुलिस ने पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दी।
अब इसके बाद सारे सबूत दिखाने के बाद, क्लिपिंग, मैच की क्लिपिंग दिखाने के बाद, शायद माननीय जज महोदय के पास बहुत निर्णय लेने में तकलीफ नहीं होगी, उनको बहुत आसानी से निर्णय होगा। बिल्कुल, और खिलाड़ियों ने भी अब मान लिया है कि उन्होंने ये काम किया और उनको इतना पैसा मिला है। ये बात अलग है कि कोर्ट में इस बयान से मुकर जाए और वो कहने लगे कि दबाव में उन्होंने ऐसा बयान दिया था, लेकिन फिर भी कई चीजें हैं जो बिल्कुल साफ परिलक्षित होती हैं। तो ये बात तो पक्की है कि लोगों को लगने लगा था कि आईपीएल क्रिकेट है, ये कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो ही नहीं, क्लब क्रिकेट है, इस पर किसी की निगाहें हैं नहीं, इसमें माल मस्ती मौज लूट लो। तो ये जो एक बात खिलाड़ियों ने जो हल्के से ली, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत भारी पड़ी और इसका खामियाजा न केवल टूर्नामेंट को बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी, और क्रिकेट का जो नुकसान हुआ है कि हमारे जैसे क्रिकेट से जुड़े हुए 44-44, 45-45 साल से जुड़े हुए, हमसे भी पुराने लोग हैं जो क्रिकेट की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा धक्का लगा होगा। और युवा पीढ़ी के लोग भी टी शर्ट खरीदते हैं अपनी टीम के लिए, चीयर अप करने के लिए जाते हैं, सैकड़ों हजारों रुपए के टिकट लेके मैच में देखने जाते हैं, दूर दूर की यात्राएं करके मैच देखने जाते हैं, मांग करते कि इंदौर में आईपीएल क्यों नहीं होता है, वो लोग अब क्या कहेंगे? अरे बहुत दुख होगा, उनको लगेगा कि सपने टूट जाते हैं। देखिए, जब लगता है खिलाड़ियों को वो भगवान की तरह पूजते हैं और क्रिकेट खेल को धर्म की तरह मानते हैं और क्रिकेट खेल से इतना प्यार करते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, व्यापार भूल जाते हैं, क्रिकेट मैच देखने चले जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। मैंने तो कई बेरोजगारों को देखा कि कहीं से भी पैसा लेकर आखिरकार आईपीएल देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर इस तरह से बेईमानी का तांडव हो रहा हो तो मैं समझता हूँ कि उनके दिल को बड़ा धक्का लगेगा। और सबसे खिलाड़ियों के प्रति तो ठीक है, जो लोगों की नियत होगी और लोग जो उनको लोगों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन आम आदमी के मन से क्रिकेट का जो बुखार है या क्रिकेट के प्रति जो प्रेम है जो उतरेगा, उससे क्रिकेट का बहुत लंबे अरसे के संदर्भ में नुकसान होगा। श्रीचंद के पिताजी ने पत्रकारों से कहा कि इसके पीछे धोनी और हरभजन सिंह हो सकते हैं। पहले उन्होंने ये बयान दिया, फिर बाद में कहा कि मैंने भावावेश में बातें कह दी थी। तो क्या क्रिकेट में इतनी राजनीति होती कि एक दूसरे खिलाड़ी को बदनाम करने के लिए जेल भिजवाने तक की कार्रवाई की जाए? नहीं, ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बात तो जरूर है कि श्रीशांत की हमेशा नाराजी रही है इस बात के लिए कि उन्हें लंबे अरसे तक क्रिकेट से बाहर बैठाया गया। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आरपी सिंह जैसे खिलाड़ियों को, जो कि क्रिकेट से अलग हो गए थे, जो कि अमेरिका यात्रा पर चले गए थे, लेकिन उनको वापस बुलाकर फिर से भारतीय टीम में खिला लिया गया। तो ये सब बातें चलती रहती हैं। देखिए, आदमियों का जो समूह रहता है और जब पैसा उसमें इतना आता है तो अपने अपने समूह तो बने जाते हैं, आप कोशिश करें या ना करें, लोग अपने अपने खिलाड़ियों को लेना पसंद करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को लेना पसंद करते हैं जो उनकी बातों का कहा माने। और महेंद्र अमरनाथ का हम किस्सा जानते ही हैं कि उन्होंने तो ये कहा था कि धोनी का नेतृत्व अब समाप्त होना चाहिए, नए खिलाड़ी नए व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए, तो नया नेतृत्व नहीं आया, उन्हें हटा दिया गया। तो ये सब बातें एक है जो हमारे सामने है कि जो समूह जो होता है, जो ताकतवर समूह होता है, जीत उसी की होती है, चाहे वो क्रिकेट के मैनेजमेंट में हो चाहे खिलाड़ियों में हो। तो ये तो बात पक्की है कि ताकत का मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेटर ही हो। देखिए, अगर आप अगर बंबई के चुनाव में अगर कोई राजनेता दिलीप वेंगसरकर को हरा देता है या शरद पवार के सामने क्रिकेट के चुनाव में, और अगर शरद पवार अजीत वाडेकर को हरा देते हैं, तो ये बात साफ है कि क्रिकेट से लोग जो वोट देते हैं उनका क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है, वो तो समूह विशेष की बात है कि कौन किसके पाले में है। अब ये क्या पहले से चलता आ रहा है? लोग कहते हैं अजहरुद्दीन के जमाने में काफी इस तरह की अफवाहें उड़ती थी, आप तो कई मैच देख चुके हैं, अजहरुद्दीन के साथ भी रहे हैं, क्रिकेट की कमेंट्री आपने की है, तो पहले भी ऐसे किस्से होते थे? नहीं, अजहरुद्दीन का नाम तो देखिए आया था उस समय और उन्हें प्रतिबंध भी झेलना पड़ा था, और कई जब हंसी क्रोनिया के वक्त तो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, लेकिन हंसी क्रोनिया तो अब रहे नहीं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने ये मान लिया था कि उन्होंने हाँ मैच फिक्सिंग किया था, और उनकी आत्मा ने ये उनको दुत्कारा और उन्होंने खुद आकर ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये किया था। उसका फल ये निकला कि आखिरकार वो मारे गए। कहते तो ये है कि आत्महत्या की हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए, वो सही भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें जान से हाथ तो धोना पड़ा। ऐसा क्यों होता है दोषी साहब कि अजहरुद्दीन के मामले में जो लोग जांच करते थे उनपे कई गवाह और कई जांच करता दुर्घटना में मारे गए, और अभी इस मामले की जांच एक बद्रीश दत्त नाम के पुलिस सुपर कॉप दिल्ली के कर रहे थे, और 3 दिन पहले वो अपनी प्रेमिका के साथ मत पाए गए दिल्ली के एक फ्लैट में, तो क्या इसमें भी तार जुड़े हो सकते हैं?
कुछ कह नहीं सकते। देखिए आदमी का मस्तिष्क और उसका दिमाग किस तरह से चलता है, आदमी क्या, आदमी सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, वो सच कुछ भी हो सकता है और हाँ। सच ऐसा हो सकता है डरावना भी हो सकता है, हैरान करने वाला भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जिसके आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो वो कहते हैं ना कि जब तक सबूत न मिले जब तक बात ना हो, लेकिन कई चीजें जो साफ दिखाई देती हैं और जिनके बारे में लोगों को मालूम है और जिनके बारे में जग जाहिर हो चुका है, उनको कड़ी सजा न देना भी विभिन्न क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं, हर एक देश ने अपने अपने लोगों को बचा लिया। उस समय अगर जब क्रिकेट की बातें उठी थी, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अगर अपने खिलाड़ियों के साथ सही बुरा सलूक किया होता उस तरीके का जैसे कि कल्पना थी कि बेईमानी के बेईमानों को जो सजा मिलनी चाहिए वैसा अगर वो करते, तो शायद आज ये दिन क्रिकेट को देखना ना पड़ता मिलता। अजहरुद्दीन के मामले में, अजहरुद्दीन तो खैर उन्होंने काफी उपेक्षा झेली, लोगों ने भी उन्हें बुरी नजर से देखा, अंत में वो बेदाग साबित हो गए कोर्ट कचहरी में तमाम चीजों में, और अब हमारे देश के माननीय संसद के सदस्य हैं। ऐसा हो सकता है कि श्री संत भी कुछ दिनों के बाद हमारी संसद में जाए, शोभा बढ़ाए। देखिए संसद का बड़ा विचित्र है कि हमने कई बार देखा है कि जिनकी बेईमानी साबित हो चुकी है वो लोग भी आराम से जीत जाते हैं। तो ये जो चुनाव के बाद बिल्कुल अलग रहती है कि कौन सा आदमी कैसे जीत रहा है। हमने देखा जो भ्रष्ट पाया जाता है, कई राजनेता बड़े बड़े वोटों से जीतते हैं और इतने वोटों से जीतते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चुनाव की बात तो छोड़िए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि खेलों को इन चीजों से अलग होना चाहिए। हम लोग खेल से जुड़े हुए लोग हैं और खेल में जब बेईमानी सामने आती है तो दिल टूटना स्वाभाविक है। अजीत चंदीला और अंकित चौहान की पत्नियों ने आज मीडिया से कहा कि हमारे पति बहुत अच्छा खेल रहे थे और उनके परफॉर्मेंस से सामने में लोग छेड़ते थे, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए साजिश थी। क्या ये संभव? नहीं, देखिए हो सकता हो कि पत्नियों को बताया ही नहीं हो गया जी, तो वो हर पत्नी ये समझती है कि उसके पति के बराबर ईमानदार, धर्मनिष्ठ और बढ़िया अनुशासित व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि ये भारतीय संस्कार है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, जितना उन्हें बताया गया जितना उन्हें मालूम है। और आज व्यक्ति ने सोचा कि एक ओवर में अगर 60 लाख रुपए मिलता है तो क्या बुरा है। ये जो बेईमानी मन में आती है और उनको लगता है कि किसको पता चलेगा। हाँ व्यक्तिगत है क्योंकि ये मैच फिक्स नहीं हो रहा था, ये स्पॉट फिक्सिंग की बात है। एक ओवर का प्रोसेस कर दी तो क्या दिक्कत पड़ गई उसमें, या तीन शॉर्ट पिच गेंदे अगर स्लो बॉलर ने कर दी चौके या छक्के पड़ने ही है, जब 15-18 रन बनना एक ओवर में कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये अगर करता है आदमी और हल्के से लिया, उनको लगा कि कोई देख नहीं रहा है, इसका कोई माई बाप नहीं है और इस पे कोई आईसीसी की इकाई कोई उस पे ध्यान नहीं रख रही है और कहीं कोई जासूस नहीं लगे हैं कि बेईमान। जैसे आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स उसमें होते हैं उसमें आईसीसी की जो ये जो शाखा रहती है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, उसके कोई व्यक्ति रहता है, वो लगातार नजर रखता है कि कौन व्यक्ति खिलाड़ियों से मिल रहा है, कि होटल में कौन मिलने जा रहा है, इन सब चीजों पर नजर रखता है। लेकिन यहाँ तो आईपीएल है, ये क्लब क्रिकेट है, इसमें तो कोई नजर रखी नहीं जा रही, तो उन्होंने इसको हल्के से लिया, इसी का खामियाजा भुगतना। क्या पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी? क्योंकि पुलिस को जो बात कहनी थी उसे कोर्ट में कहनी चाहिए थी, मीडिया के सामने आकर जिसपे की सारे चैनलों ने, सारे प्रमुख न्यूज चैनलों ने सीधा प्रसारित किया, इसका मतलब पुलिस ने सीधे सीधे जनता से बात, जनता के सामने बात रखी। क्या पुलिस को यह बात न्यायालय को पहले बतानी थी बाद में जनता को बतानी थी? न्यायालय में तो कब पता नहीं कब केस दर्ज होगा, लेकिन अगर गिरफ्तार किया है तो सारी दुनिया को पता तो चल ही जाता है कि गिरफ्तार किया, और लोगों की आवाजें उठे कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, इसका आपको सबूत तो देना ही पड़ेगा। और उनके पास निश्चित रूप से इस तरह के पूरे सबूत हैं, सबूत के बिना उन्होंने हाथ नहीं डाला है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय क्रिकेट में इस तरह का काला दिन भी हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में तो ये होता रहा है क्योंकि वहाँ पैसों की कमी, श्रीलंका में भी पैसों की इतनी कमी, उनके खिलाड़ियों पर भी आँच आती, लोग जरूर बात करते हैं दबी छुपी निगाहों से, दबी छुपी जबान से। लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में आजकल जब से इतना पैसा जब से आने लगा है कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन ये जब खबर आई है इसने तो सभी को चौंका भी दिया है, हिला भी दिया है और सभी को काफी आश्चर्यचकित भी किया है। क्या और खेलों में भी इससे फिक्सिंग होती है? बहुत सारे खेल, फुटबॉल में तो अभी भी खबरें चल रही है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग और उधर भी बात जो चल रहा है कि एफए कप में, और सभी में कुछ ना कुछ फिक्सिंग होता ही थे, उसमें कई लोगों पर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इंग्लैंड में जो कुछ भी पकड़ा जाता है उस पर सजा होती है,
और कड़ी सजा होती है, लेकिन यहाँ पर तो पकड़े जाने पे कुछ नहीं, आराम से छूट जाते हैं। और यहाँ 120 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो श्री संत को रात को 2:30 बजे गिरफ्तार किया करके दिल्ली ले जाया गया। ऐसा मौका शायद ही कभी आया होगा इतिहास में, जब मैच के बाद खिलाड़ी को उठाकर पुलिस 5-स्टार होटल से उठाकर ले जाती, गिरफ्तार करते और पूरे देश में खबर उठती कि श्रीशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मामले में 420 और 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि क्रिकेट में इस तरह की बात बहुत कम देखने को मिलती है। पहले भी हुआ था लेकिन इस तरह से गिरफ्तार करके कोई किसी को नहीं ले गया, लेकिन ये जो घटना है इसका मतलब ये कि साक्ष्य बिल्कुल मजबूत है, उनके पास जरूर ऐसे पूरे साक्ष्य हैं जिसको दिखाकर वह आराम से सब बता सकते हैं कि ये काम हुआ है। और ये भारतीय क्रिकेट के लिए सचमुच एक काला दिवस है, क्योंकि इस तरह का काम अगर यहाँ हो रहा है तो लोग अब क्या है कि ईमानदार घटनाओं को भी, कभी आखिरी ओवर में कोई मैच हार गए तो उसको भी संदेह की दृष्टि से देखेंगे। जी, क्योंकि अभी आईपीएल तो चल ही रहा है। अब देखिए ना, अब हम श्रीशांत की बात कर रहे हैं। अभी इसके पहले हम कभी बात करते थे सुधींद्र की, बात एक बार हमने की थी कि बड़े आश्चर्य की बात, इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी और स्पॉट फिक्सिंग में पाया गया, वो भी छोटे से मैच में, और उससे भी करीब उतनी ही लंबी नो बॉल आरपी सिंह ने की अभी धोनी की टीम के खिलाफ, तभी भी लोगों की निगाहें काफी भौहें ऊपर उठी थी और जबान लड़खड़ाती जबान से लोगों ने बातचीत जरूर की थी कि ये क्या हो रहा है, आखिरी बॉल पे आपने नो बॉल करके विजयश्री थमा दी और वो भी इतनी लंबी नो बॉल, तो वो भी आश्चर्य की बात है। उस पर भी कहीं ना कहीं विचार जरूर हुआ होगा। लोग कहते हैं इंडिविजुअल गेम्स में बहुत ज्यादा फिक्सिंग होती है, मुक्केबाजी में आसान बहुत रहता है क्योंकि आप अकेले हैं जी, आपके खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं सकता। जैसे टेनिस है जी, तो आपको कौन कह सकता है, या आप फुटबॉल में जैसे गोल के सामने गए और आपको गोल भी खाली डालना है और आप बाहर भी कर दें तो आप क्या बाहर चली गई, क्या कर सकते हैं। तो वो आसान रहता है, लेकिन जो 11 लोगों को जो खेल रहता है, यहाँ उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करने की कोशिश की, पूरे अन्य लोगों को शामिल नहीं किया, 3 लोग शामिल थे। इसमें चंदीला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्होंने कहा था कि सारा सामान मेरे थ्रू ही जाएगा, ये भी उन्होंने मैसेज किए जिसकी ट्रांसक्रिप्ट पुलिस के पास है। इस सबसे आम जनता के मन में आईपीएल और क्रिकेट को लेकर क्या बात होगी सुशील जी, और आमतौर पर लोगों का ये कहना कि आईपीएल तो शुरू ही सट्टेबाजी के लिए हुआ था। आज मैं उनको भी सुन रहा था, शरद यादव को, तो वो भी कह रहे थे कि ये जो आईपीएल है ये बहुत ही अनैतिक कारोबार है जहां खिलाड़ी बिकते हैं। उनका कहने का मतलब, जब खिलाड़ियों को आप बेचते हो फिर आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, तो इसमें तार कहीं और भी हो सकते हैं, ये उनका मतलब था। और दूसरी बात, जिस तरह से महिलाओं का नाच गाना और जिस तरह से होता है वो भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, तो उनका कहना था कि ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से दूषित कर रहा है और क्रिकेट को भी दूषित कर रहा है। तो उनकी बात के कई हामीदार भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात है कि आप एंटरटेनमेंट वैल्यू को जी नकार नहीं सकते कि इसमें, उन्होंने कहा कि ये तो आईपीएल तो एंटरटेनमेंट है, ये क्रिकेट नहीं है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि क्रिकेट क्या है, तो एंटरटेन, जैसे 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं एंटरटेनमेंट है, इसमें नृत्य है, धमाका है और अब फ्लड लाइट्स है। अब देखिए ना, लोग ये भी कह सकते, भारत जैसे क्रिकेट जो खेल है इसमें ये कहते हैं कि गो आउट इन द सन एंड प्ले, बच्चे को ये बोलते हैं। आज क्या आगे रात में क्रिकेट होता है, गो आउट इन द मून एंड प्ले, व्हाट द वे टू टेल यू, तो ये भी एक बड़ा, पूरी कहावत ही बदल गई है। और भारत में जहाँ इतना सूरज निकला हुआ है दिन में, वहां धूप में मतलब सनलाइट में खिलाना चाहिए, रात में जबकि बिजली की कमी, किसानों को पानी खेत में देने के लिए पानी के लिए मोटरें चला नहीं सकते, उसके लिए बिजली नहीं मिल रही। ब्रिटेन जैसे देश में कई कई दिन तक सूर्य नहीं निकलता, और पर्यावरण प्रेमी कहां सो गए हैं जो देखते हैं कि चील कौवे और उनको लगता है दिन है, और रात भर बेचारे मंडराते रहते हैं समझ के दिन है, तो उनको कितनी तकलीफ है। तो ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी एक बात है कि ये इतने सारे पक्षियों को इतना दर्द, इतनी वेदना कि रात भर जागते हुए वो 12 बजे तक रात तक चक्कर लगाते रहते हैं फ्लड लाइट के। चलते चलते सुशील साहब एक बात जानना चाहते हैं, इसका क्या असर आईपीएल पर और क्रिकेट पर पड़ेगा इस घटना का? क्या है इससे, जो आईपीएल से जो लोग जुड़े हैं वो केवल क्रिकेट प्रेमी नहीं है, इसमें महिलाएं भी हैं, युवक युवतियां भी हैं, वो नृत्य देखना चाहती हैं अर्धनग्न कपड़ों में, उनको देखकर खुश होते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा हो गए हैं जिनको कि क्रिकेट से जिनका संबंध नहीं है, लेकिन उनको धूमधड़ा का इक्का दुक्का जिसको कहते हैं, चौके छक्के पड़ रहे हैं। 75 मीटर की बाउंड्री
होती है टेस्ट मैच में, यहाँ 60 और 65 मीटर की या 50 मीटर की 58 मीटर की 60 मीटर की बाउंड्री कर दे रहे हैं, तो टॉप एज भी जो लगता है, गलत स्ट्रोक भी सिक्सर पे जा रहा है, तो ये बॉलर के साथ भी अन्याय है। लेकिन क्रिकेट का मजा तो आता है, लोग तालियां पीट रहे हैं, गलत स्ट्रोक पे भी तालियां पीट रहे हैं, तो क्रिकेट का लंबे अरसे के संदर्भ में से थोड़ा बहुत नुकसान तो ये है कि उसकी शास्त्रीयता पर काफी अब कलंक लग रहा है। एक बात और लोग कहते हैं कि इतने घोटाले केंद्र में हो रहे हैं, राज्य में हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कई नेता घिरे हुए हैं, अधिकारी घिरे हुए हैं, तो इस तरह की बातें कुछ लोग सीबीआई या पुलिस वाले जानबूझ के पकड़ते हैं ताकि उन बातों से पर्दा हटाया जा सके, लगाया जा सके। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि इट्स वेरी इंटेलिजेंट थिंग, वो बहुत ही चतुर राजनेता है, क्योंकि ध्यान तो निश्चित रूप से बटा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और लेकिन ये घटना अपने आप में अलग है, क्योंकि जितना लोग उस पर ध्यान देते हैं उससे कहीं ज्यादा ध्यान लोगों का क्रिकेट में हार जीत के प्रति है, और अपने अपने खिलाड़ियों को लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल धर्म की तरह लेते हैं, खिलाड़ियों की तस्वीरें अपने घर में रखते हैं। मैं खुद बताता हूँ कि मैं बचपन में खिलाड़ियों की तस्वीरें अपने एल्बम में लगा कर रखता था और उनके रोज दर्शन करता था। तो ये चीजें जो है अब धीरे धीरे गायब हो जाएंगी कि वो भी एक इंसानी हाड़ मांस के पुतले हैं, ये भी बेईमानी करते हैं, तो उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। सुशील जी, आप हमारे आग्रह पर अपनी व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे स्टूडियो पधारे और आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और सभी दर्शकों को नमस्कार। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।